मुकेश अंबानी असली जिंदगी के रॉकी भाई हैं। रॉकी भाई के पास जैसे केजीएफ था ना, सोने की खान जहां से खूब पैसा आता था, वैसा ही एक सोने की खान या पैसे का कुआं मुकेश अंबानी के पास भी है। इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस। रिलायंस पैसा कैसे कमाती है, मोटा भाई पैसा कैसे कमाते हैं? कोई कह रहा है शायद जियो, कोई कह रहा है ये रिटेल है, कोई कह रहा है बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एग्जैक्टली कोई बता नहीं पा रहा कि ये जो हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है पैसा कैसे कमा रहा है। वो राज आज मैं खोलूंगा और एक बात बताऊं, इनके पास जो राज है, जो पैसे का कुआं है, वो इतना बड़ा है कि ये सुबह राखी भाई को खरीद के शाम को बेच देंगे। वो पैसे का कुआं है जामनगर रिफाइनरी। तो आज की पूरी वीडियो में बात करूंगा जामनगर रिफाइनरी के बारे में कि ये इन्होंने कब लगाई थी, क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी और ये काम कैसे करती है, इतने पैसे कैसे कमा रही है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ही रिसर्च के साथ लाया हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना और जगह जगह शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं असली जिंदगी के रॉकी भाई मुकेश अंबानी जी के केजीएफ की। केजीएफ में जैसे कोलार गोल्ड फील्ड की गोल्ड की इतनी सारी माइंस हैं कि रॉकी भाई पैसे कमा रहा है, इनसे भी बड़ा सेटअप रियल लाइफ में है। जामनगर रिफाइनरी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब आप बोलेंगे रिफाइनरी करती क्या है, ये बताओ। तो रिफाइनरी का सिंपल सा काम होता है कि जो भी क्रूड ऑयल आता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो यूज करने के काम आता है, ठीक। फॉर एग्जांपल एक क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल अगर गाड़ी में डालोगे ना तो गाड़ी फूक जाएगी पहले ही दिन। तो कोयला आता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से केरोसिन बनता है और उसी से 50 या 100 से भी ज्यादा केमिकल बनते हैं। तो क्रूड ऑयल को इन चीजों में बदलने के लिए जो काम में आती है वो होती है रिफाइनरी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी है मोटा भाई के पास। तो रिफाइनरी कैसे काम करती है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब रिफाइनरी डालने का आइडिया मुकेश अंबानी जी को कैसे आया होगा, तो देखो धीरू भाई अंबानी जी की स्ट्रेटेजी क्या थी कि अपने को वेंडर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर अपने को ग्रो करना है, अपने को सस्ता माल चाहिए, तो जो माल बाहर से खरीद रहे हैं वो खुद बनाने लग जाओ। तो याद करो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे किया। पहले ही विमल बेच रहे थे, ओनली विमल। कहा यार कपड़ा है, कपड़ा किससे बनता है, यहाँ से। तो उन्होंने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न बनाना शुरू कर दिया। अब बोले इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, पॉलीमर की, तो पॉलीमर भी हम बनाएंगे। पॉलीमर किससे बनता है, मतलब पेट्रोकेमिकल से, तो पेट्रोकेमिकल भी हम बनाएंगे। अब पेट्रोकेमिकल कहाँ से आता है, पेट्रोकेमिकल भाई ऑयल की रिफाइनरी चाहता है, तो भैया रिफाइनरी भी हम डाल देंगे। तो ये पीछे पीछे जाते रहे, इसी को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और आज इन्होंने इसी के बदौलत इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो जिनसे ये माल लिया करते थे बाद में उन्हीं को माल बेचने लग गए, कितना बड़ा काम हो गया ना। इसका फायदा क्या है, पहली बात वेंडर पे डिपेंडेंसी खत्म, खुद ही बना रहे हैं, जितनी जरूरत होगी उतना बना लेंगे, तेरे ऊपर डिपेंड थोड़ी है, तू कब बनाएगा, कब बेचेगा, क्या क्वालिटी होगी, अब क्वालिटी पे मेरा पूरा कंट्रोल है, सस्ता मिलेगा, लार्ज वॉल्यूम में बनाऊंगा, हमेशा अवेलेबिलिटी होगी। अब चलो ठीक है, ऐसा पीछा करते करते इनके मन में आया कि रिफाइनरी डाल देते हैं, लेकिन और लोग भी तो हैं जो रिफाइनरी डाल सकते हैं, उनके मन में भी ये आइडिया आया होगा। और क्या ये वर्ल्ड में अकेले हैं, और भी तो लोग हैं। देखो सर रिफाइनरी डालना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है, और सबसे पहली बात इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। जब जामनगर रिफाइनरी का फर्स्ट फेज बना था तो $6 बिलियन लगे थे, आज की रेट में अगर रुपए की वैल्यू आती है ₹80 तो $6 बिलियन होता है लगभग 50,000 करोड़, और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की जो ROI रिटर्न आती है वो आती है ओनली 6 से 8%, और बनाने में खर्च ही 12%। तो इतना आसान नहीं है रिफाइनरी डालना। धीरू भाई अंबानी ने कहा रुको एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, छोटे लेवल पे अगर रिफाइनरी बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, हम एक काम करते हैं हम बड़े लेवल पे रिफाइनरी बनाएंगे जिससे हमें कॉस्टिंग भी सस्ती पड़ेगी, प्लस हम रिफाइनरी में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे कि लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं हम 20 प्रोडक्ट बनाएंगे, और ऐसी चीजें उन्होंने सोची। इन्होंने प्लान बना डाला और फिर स्केल। जब प्लांट का फेस वन बना था वो 5,000 एकड़ एरिया में फैला हुआ था, 3100 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, 350 मेगावाट के 2 और प्लांट लगे थे, 2 केमिकल प्लांट बने थे, 105 प्लांट लगे थे, 105 मील रोड बनी थी, 3000 फैमिली के रहने की जगह बनी थी, 1 समुद्र के खारे पानी को नॉर्मल करने का सी वाटर रिलेशन प्लांट लगा था, 1 IT नेटवर्क का बना था जहां पर भाई साहब 1000 नेटवर्क जुड़ जाएंगे, 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी थी, और ये सब काम उन्होंने 1999 में किया था। और ये जो इतना ज्यादा बजट लगा, आप बोले 20 साल में बनाया क्या, नहीं भाई साहब सिर्फ 3 साल में बनाया गया, सिर्फ 3 साल में। उस समय भैया वर्ल्ड में जो बाकी रिफाइनरी लगती थी उससे 40% कॉस्ट में बना लिया फर्स्ट फेज। सेकंड फेज अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब आते हैं सेकंड फेज पर। सोचो सेकंड फेज कितना बड़ा होगा। आप सोच रहे होंगे कि भैया मुकेश अंबानी जी अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। जब सेकंड फेज बना था ना पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। सेकंड फेज ना अकेले ने बनाया है, और वो फर्स्ट फेज के टक्कर की चीज बनाई थी अकेले ने। और इसमें क्या क्या था ये बताऊं इससे पहले, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जगह जगह शेयर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। सेकंड फेज जो बना था ना उसमें 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियरिंग और सप्लाई के डॉक्यूमेंट लगे थे। ये जो नक्शे लगते हैं ना जब आप अपना घर बना रहे होते हो, रूम का नक्शा, बाथरूम का नक्शा, इसका नक्शा 2 लाख से भी ज्यादा नक्शे लग गए थे।
165,000 टन 138,000 टन स्ट्रक्चर स्टील जो कि 15 एफिल टावर के बराबर है। इसका जो एरिया है ना वो लंदन से भी बड़ा है, लंदन देश से भी बड़ा साइट बना रहा है मोटा भाई। एक टाइम पे 80,000 वर्कर काम किया करते थे साइट पर, 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर, 5,000 बाइक फिटर हमेशा मौजूद रहते थे साइट पे। डिजाइनिंग में टोटल 1 करोड़ घंटे का कंबाइंड वर्क लगा है। 18,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर की इंस्ट्रूमेंट केबल और 20,000 किलोमीटर की पाइपिंग और 250 किलोमीटर की रोड, ये बनाई हमारे मोटा भाई ने। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब अगर इनकी रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी है और वर्ल्ड में दूसरे लोगों ने भी रिफाइनरी लगा रखी है तो फिर ये प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? आप बोले इसमें मार्जिन नहीं है। देखो पहली बात स्केल, जब कोई भी चीज़ इतनी बड़ी बना दो कि एक रिफाइनरी में 10-10 के जितना काम हो रहा है तो चीज़ों की कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती पड़ेगी। और दूसरी बात भाई साहब ये गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं और मैं गुजराती लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। एफिशिएंसी इनके रग रग में होती है। जहाँ पे दूसरी रिफाइनरी का वेस्ट 5% होता है, जामनगर रिफाइनरी में वेस्ट 0.20% होता है और मार्जिन तो इन्होंने यही निकाल लिया। अब आ जाओ कि कौन सी रिफाइनरी कितना अच्छा काम करती है, ये डिपेंड करता है उसके CI पे। CI का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कि कौन सी रिफाइनरी कितना रॉ मटेरियल प्रोसेस करती है। एक नॉर्मल रिफाइनरी का CI इतना होता है कि वो बोलेगी कि भैया आप 50 तरीके से रॉ मटेरियल ला दो, हम उससे 20 तरीके के प्रोडक्ट बना देंगे। रिलायंस कहता है भैया हमारी CI है 21.1, यानी हमारे पास आप 170 तरीके के रॉ मटेरियल ले आओ, हम उससे 100 से भी ऊपर तरीके के प्रोडक्ट बना देंगे। तो रिलायंस के पास ऑप्शन है कि जब मार्केट में क्रूड ऑयल आया $50 का तो $50 का तो सब कर देंगे, लेकिन $20 का जो एकदम कचरा गंदा माल है इसका प्रोसेस कोई नहीं करेगा। रिलायंस कहता है मैं कर दूंगा, तो गंदे से गंदे माल का प्रोसेस कर रहा है, सस्ते से सस्ते माल का प्रोसेस कर रहा है, प्लस दुनिया भर के प्रोडक्ट बना सकता है। तो जब बाजार में पेट्रोल का भाव ऊंचा है तो पेट्रोल बनाएंगे, बाजार में पेट्रोल का भाव मजा नहीं आ रहा है तो पेट्रोल कम डीजल ज्यादा बना देंगे, दोनों ही कमजोर पड़ गए तो गैस बना देते हैं और कुछ कमजोर पड़ गया तो कुछ और केमिकल बना देंगे। ऑप्शन भी तो दुनिया भर के हैं, मौका देखकर चौका मार देते हैं। कॉस्टिंग भी कम है तो कैसे नहीं कमाएंगे भाई। इसलिए अगर मैं बात करूं जुलाई 2022 से सितंबर 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट था 13,656 करोड़, पर डे 151 करोड़ होता है भाई पर डे। CI इंडेक्स सब समझ में आ गई कितना कॉम्प्लेक्स होता है। और भारत सरकार की जो भारत पेट्रोलियम है उसकी है 10, HPCL की जो रिफाइनरी है भटिंडा में उसकी है 12.1, IOCL की उड़ीसा में 12.1, SROL की रिफाइनरी 11.8 से डबल ट्रिपल लेवल पे है। इसलिए पर बैरल पे $4 का एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं मोटा भाई। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जामनगर रिफाइनरी इतनी बड़ी क्यों बनाई गई थी और कम से कम कॉस्ट लगा, वेस्टेज भी बहुत कम होता है इसलिए बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, प्रॉफिट लेवल इनका बहुत ज़्यादा है और कोई भी इनके टक्कर लेने के आसपास अभी नहीं है, इंडिया में ही क्या पूरे वर्ल्ड में भी। और अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों से धरती खिसक जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मोटा भाई बोल रहे हैं कि अब पेट्रोल डीजल में वो बात नहीं रही, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है पेट्रोल की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। तो अब पूरी जामनगर रिफाइनरी को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि अब पेट्रोल का प्रोसेस करना तो धीरे धीरे बंद ही कर देंगे, डीजल का भी बंद कर देंगे, सिर्फ केमिकल जो इंडस्ट्री में काम आते हैं जिनमें मार्जिन इन पेट्रोल डीजल से डबल होता है वही चीजें बनाएंगे। तो भैया आपको लग रहा था कि रिलायंस खूब पैसे कमा रही है, पैसे तो ये अब कमाएगी, इसलिए इनको विजनरी कहते हैं। तो भैया अगर मेरी वीडियो मेरी रिसर्च आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना और अगर आप कभी किसी से मिले तो उसको जरूर पूछना कि रिलायंस इंडस्ट्री पैसा कैसा कमाती है और अगर उसको नहीं पता तो ये वीडियो चिपका देना। तो मिलते हैं और किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।